एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक संक्रामक यौन रोग है। जिस वायरस से यह पैदा होता है उसे ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस अर्थात संक्षिप्त रूप में HIV कहते हैं। एड्स के वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से संभोग के दौरान वीर्य से, चुंबन के दौरान लार से, रोगग्रस्त व्यक्ति के खून से और ब्लड चढ़ाने के दौरान या नशे के लिए शिराओं में प्रयुक्त एक ही सिरिंज की निडल की प्रयोग से पहुंच जाते हैं। एड्स के शुरुआती दौर में यह पहचान पाना कठिन होता है कि HIV शरीर में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि इसके लक्षण 5 से 10 वर्ष के बाद भी उभर सकते हैं। हालांकि डॉक्टरों की राय में मुंह में सफेद चकत्तेदार धब्बे उभरना, शरीर से अधिक पसीना निकलना, बार बार थकान की शिकायत होना, अचानक वजन कम होने लगना, तेज बुखार रहना, बार बार दस्त लगना, लगातार खांसी आना, गले, जांघों और बगलों की लसिका ग्रंथियों की सूजन से गांठें पड़ना, सारे शरीर में खुजली और जलन होना, निमोनिया, TB, स्किन कैंसर जैसी तकलीफें होने लगे तो एड्स का टेस्ट करवाने में देर नहीं करनी चाहिए। एड्स शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देता है। एड्स स्त्री पुरुष दोनों को होता है। हमारे शरीर में होने वाले जीवाणुओं के संक्रमण से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे शरीर हानिकारक जीवाणुओं के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। शरीर की जीवाणुओं से लड़ने की अपनी इस स्वाभाविक शक्ति को इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। एड्स के वायरस इन व्हाइट ब्लड सेल्स को भी क्रियाहीन करके हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे वायरस से लड़ने की हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है और रोग शरीर में अपना अधिकार जमा लेता है। यही कारण है कि इसे इम्यून डेफिशिएंसी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना कहते हैं। एड्स से बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज। एड्स एक जानलेवा बीमारी है। दुनिया भर के डॉक्टर और चिकित्सा वैज्ञानिक इसके कारगर इलाज की तलाश में लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं। एड्स को कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस रोग से दूर रहने के लिए बचाव करना ही सबसे बेहतरीन इलाज है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को संभोग से दूर रहना चाहिए। असुरक्षित सेक्स संबंध, समलैंगिक सेक्स संबंध और वेश्याओं से सेक्स करने से बचे। पत्नी को छोड़कर पर स्त्रीगमन की आदत से परहेज करें। संभोग के बाद मूत्र त्याग करके अपने गुप्तांगों को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। होठों पर घाव खून का रिसाव हो तो चुंबन से बचे, क्योंकि इस बीमारी के वायरस लार के माध्यम से आपके खून में पहुंचकर आपको इस रोग से पीड़ित कर सकते हैं। सैलूनों में शेविंग करवाते समय नई ब्लेड का उपयोग करने को कहें। एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल हर बार करें। अन्य व्यक्तियों के ब्लेड या रेजर का उपयोग न करें। ब्लड को शरीर में लेने के पहले उसकी HIV मुक्त होने की जांच अवश्य करवा लें। अपने परिजनों, परिचितों और निकट संबंधियों का ब्लड भी उपयोग में लेने की कोशिश करें। प्रोफेशनल ब्लड डोनर के ब्लड को न खरीदें। इंजेक्शन लगवाते समय डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल का ही प्रयोग करें। एड्स से संक्रमित महिलाएं गर्भधारण न करें, क्योंकि यह रोग उनके शिशुओं में भी संक्रमित हो जाता है। यदि किसी अविवाहित पुरुष या स्त्री एड्स से संक्रमित हो जाए तो उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एड्स उनके जीवन साथी और बच्चों को संक्रमित करके उनका जीवन बर्बाद कर देगा।